दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? बना रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी बना दूं सबको कलेक्ट करके। ऑलमोस्ट 25 फोन्स जो कि आपको मिलने वाले हैं सितंबर में, या मिल सकते हैं सितंबर में। 25 फोन की लिस्ट है 25 फोन्स की। दोस्तों देखते हैं कौन से फोन्स हैं, कुछ इंडिया में आने वाले हैं, कौन से ग्लोबल लेवल पे लॉन्च होने वाले हैं, सारी चीजें बताऊंगा। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। 25 फोन्स जो अपकमिंग है दोस्तों सितंबर में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको मालूम है 28 तारीख को यानी कल ओप्पो रेनो 2 लॉन्च होने वाला है, लेकिन सितंबर में कहा जा रहा है। ये तो हायर रेंज का होगा ओप्पो रेनो 2। इसके दो छोटे भाई हैं दोस्तों, वो लॉन्च होने वाले हैं। एक है ओप्पो रेनो जेड और एक है ओप्पो रेनो एफ। ये दोनों आने वाले हैं। ओप्पो रेनो जेड जो है दोस्तों कहा जा रहा है कि ये 25,000 के आसपास का होगा। ओप्पो रेनो एफ जो है दोस्तों कह रहे हैं ये 20,000 के नीचे का होगा। जो स्पेसिफिकेशन होंगे वो सितंबर में पता चलेंगे, आएगा सितंबर में। कुछ लोग कह रहे हैं कि सितंबर में ये लॉन्च होने वाला है, बहुत सारे लीक्स आ रहे हैं इसकी तरफ। कुछ लोग कह रहे हैं कंफर्म है लॉन्च होने वाला है, लेकिन कह रहे हैं कि 15 सितंबर से पहले ये लॉन्च हो जाएगा। अच्छी बात है, देखते हैं ओप्पो की तरफ से रेनो सीरीज में अगर कुछ बजट में स्मार्टफोन लेकर आते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद ओप्पो का ही एक और ए सीरीज का स्मार्टफोन है जो कि जल्दी लॉन्च हो सकता है सितंबर में ही। ये भी कहा जा रहा है 20 तारीख से पहले लॉन्च होगा। अभी कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ऐसा बताया गया है कि इसका प्राइस जो होगा 12 से 15 हज़ार के बीच में होने वाला है। 15,000 से नीचे समझ लो, 12 से 15 हज़ार के बीच में आने वाला है ओप्पो का ए सीरीज कोई स्मार्टफोन है। देखते हैं जब आएगा तो उसके बारे में बता दूंगा। रियलमी XT इंडिया में लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन जो 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आएगा दोस्तों। सैमसंग का सेंसर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ आने वाला है। रियलमी X जो आया था उसका सब लोग कह रहे हैं अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन जो पता चल रहा है इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलने वाला है। देन उसमें तो वाटर ड्रॉप नॉच नहीं था, तो उस हिसाब से मुझे नहीं पता कि अपग्रेड होगा डाउनग्रेड होगा जो भी होगा, लेकिन 64 मेगापिक्सल के साथ आने वाला ये भी सेंसर, ये भी स्मार्टफोन आपको सेप्टेम्बर में देखने को मिलेगा दोस्तों, वो भी इंडिया में। इन्फिनिक्स भी कह रहा है कि एक हॉट 7 और हॉट 7 प्रो जो आए थे उसका जो नेक्स्ट वर्जन होगा वो लॉन्च करने वाले हैं, इन्फिनिक्स हॉट 8। ये स्मार्टफोन कहा जा रहा है कि 10,000 के नीचे वाले स्मार्टफोन की मार्केट को उड़ाने वाला है, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन जो होंगे दोस्तों वो उस प्राइस पे अभी तक किसी ने नहीं दिए हैं। देखते हैं, वेट कर लेते हैं। इन्फिनिक्स वैसे भी अच्छे काम कर रहे हैं, देखते हैं इन्फिनिक्स हॉट 8 के साथ क्या काम करता है, लेकिन इन्फिनिक्स कहा है कि ये कमाल मचाने वाला है दोस्तों। देखते हैं, ये भी सितंबर में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro ये दोनों स्मार्टफोन 29th ऑफ अगस्त को चाइना में लॉन्च होने वाले हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड है। मनु कुमार जैन ने कहा था कि ये फोर्थ क्वार्टर में लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये सितंबर में ही लॉन्च हो सकता है कंपटीशन को देखते हुए। तो आप अगर इंडिया की बात कर रहे हो तो हाँ, इंडिया में ये आपको सितंबर में देखने को एंड में, लेकिन देखने को ऐसा लग रहा है कि सितंबर में ही मिल जाएगा Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro दोस्तों। नेक्स्ट स्मार्टफोन है OnePlus 7T और OnePlus 7T Pro। ये स्मार्टफोन भी आने वाले हैं और कहा जा रहा है कि ये सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होंगे, उसके बाद बाकी जगहों पे जाएंगे। कमाल की बात है, पहले यूरोप में लॉन्च होता है OnePlus का स्मार्टफोन, उसके बाद इंडिया में आता है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होगा, उसके बाद बाहर जाएगा। बोल रहे हैं बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है, स्नैपड्रैगन 855 प्लस के ऊपर आएगा, वर्क चार्ज के साथ आएगा एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी, एडवांस कैमराज होंगे, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो तो आने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये भी ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर एंड 20 से 30 तारीख के बीच में लॉन्च हो सकता है दोस्तों। सैमसंग अपने सेंसर सबको दे रहा है तो खुद क्यों ना लॉन्च करे 64 मेगापिक्सल वाला। सैमसंग A70S करके एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है दोस्तों सितंबर में ही, जो कि 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आने वाला है। क्वाड कैमराज होंगे एंड बाकी सारी चीज़ें होंगी, जो होंगी वो बाद में पता चलेंगे, अभी कुछ खास पता नहीं चला है। लेकिन अभी तक यही पता चला है कि ये स्मार्टफोन 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आ सकता है सितंबर में इंडिया में। उसी का छोटा भाई सैमसंग गैलेक्सी M30S, ये स्मार्टफोन भी इंडिया में लॉन्च हो सकता है सितंबर में। ये 15th ऑफ सितंबर के आसपास लॉन्च होगा दोस्तों, मिड सितंबर में समझ लो। ये आने वाला है 9610 प्रोसेसर के साथ, क्योंकि M30 जो था वो 7904 के साथ आया था, ये 9610 के साथ आएगा, यानी प्रोसेसर अच्छा होगा। प्राइस इसकी 15,000 से 18,000 के बीच में होगी। 6000 mAh की बैटरी बताई जा रही है कि इसमें आने वाली है, तो देखेंगे जो भी आएगा। ये भी कहा जा रहा है कि मिड सितंबर के आसपास ये लॉन्च हो सकता है, आएगा तो इसके बारे में बता दूंगा। September 10th और September 11th को iPhone 11 लॉन्च होने वाला है। अब इसमें बहुत सारे वेरियंट लोग कह रहे हैं लॉन्च होगा, US में लॉन्च होने वाला है, उसके बाद फिर ग्लोबल लेवल पे जाएगा, तो कहा जा रहा है कि सितंबर में ही इंडिया में भी आएगा। ये देखने वाली बात होगी, लोग कह रहे हैं 11, 11 Pro एंड 11 Lite, ऐसे जो भी XR जो भी हैं, सारी चीज़ें मिला के 3-4 वेरिएंट आने वाले हैं, वो देखने वाली बात होगी कब आता है। कुछ ट्रिपल कैमरा एरिया साइड पे, अलग ही तरह का हाउसिंग है उसका। तो ये स्मार्टफोन भी सितंबर में ही आने वाला है और जल्दी ही उसके बाद इंडिया में भी सितंबर में ही कहा जा रहा है लॉन्च होगा दोस्तों।
19 सितंबर को म्यूनिक जर्मनी में इवेंट है हुआवे का, हुआवे मेट 30 और हुआवे मेट 30 प्रो के लिए दोस्तों। ये स्मार्टफोन जो होते हैं दोस्तों एक बेंचमार्क सेट करते हैं बाकी सारे स्मार्टफोन्स को, तो यहाँ पे भी लोग इसीलिए बहुत वेट कर रहे हैं। सबसे बेस्ट स्मार्टफोन होता है प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो, हुआवे के स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला 19 सितंबर को। कुछ कैमराज स्पेसिफिकेशन इसके कमाल के होते हैं दोस्तों। 990 प्रोसेसर, किरिन 990 प्रोसेसर उसके ऊपर आने वाला है, तो देखते हैं जिन सब चीज़ों के साथ आएगा वो तो आपको 19 सितंबर को पता चल जाएगा। और स्मार्टफोन ऐसा लग रहा है कि बहुत कमाल का होने वाला है, देखते हैं जब लॉन्च होगा तो उसके बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा। Asus ROG 2 दोस्तों Snapdragon 855 प्लस पे आने वाला सबसे पहला स्मार्टफोन, 35,000 के आसपास प्राइस पे आया था और सच में धमाल मचाया था इसने, क्योंकि जिस प्राइस के साथ जो स्पेसिफिकेशन आए थे दोस्तों इसके पहले किसी स्मार्टफोन ने नहीं दिए थे। ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हुआ था, अब आने वाला है इंडिया में और कहा जा रहा है मिड सेप्टेम्बर में ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अभी डेट तो नहीं आए हैं लेकिन ऐसा कह रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ये मिड सेप्टेम्बर में इंडिया में लॉन्च होगा एंड इसकी प्राइस यहाँ भी 40,000 के नीचे ही रहने वाली है जिसका बेस वेरियंट होगा दोस्तों। सच में स्मार्टफोन गेमिंग का बीस तो है ही लेकिन बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से भी देखोगे तो स्मार्टफोन सच में बहुत अच्छा है दोस्तों। इंडिया में लॉन्च होगा तो वैसे ही आपको बता दूंगा। Vivo Z1 Pro उसका सक्सेसर Vivo Z2 Pro, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं Vivo Z1 X के नाम से आएगा, अब किस नाम से आएगा पता नहीं। ये फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में लॉन्च हो सकता है, अभी डेट तो नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि इंडिया में ये फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर के साथ में लॉन्च हो सकता है। वही स्नैपड्रैगन 712 पे ही आएगा लेकिन चीज़ें थोड़ी अच्छी होंगी इसमें, आपको 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर मिल सकता है कैमरा का और बाकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका प्राइस जो बताया जा रहा है दोस्तों ये 16-17,000 के आसपास आएगा इसका जो बेस वेरिएंट होगा। Vivo Z1 Pro जो है 15,000 का आता है बेस वेरिएंट, इसका बेस वेरिएंट 16-17,000 के आसपास होगा। देखेंगे, कहा जा रहा है कि ये सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। IFA बर्लिन में HMD ग्लोबल जो है दोस्तों वो अपने 3 स्मार्टफोन लाने वाले हैं, नोकिया 6.2 जो कि X71 का रीब्रांडेड वर्जन होगा, नोकिया 7.2 और नोकिया 8.2, ये सारे स्मार्टफोन आने वाले हैं। ये तीनों स्मार्टफोन वहाँ लॉन्च होने के बाद कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन में या 1 दिन में इंडिया में भी लॉन्च होंगे। अब देखा जाएगा कि होते हैं कि नहीं, लेकिन जो लीक्स आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि अगले 2-3 दिन में इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। 5 सितंबर को IFA बर्लिन वहाँ पे होने वाला है, देन उसके बाद 2-3 दिन यानी 10 सितंबर से पहले दोस्तों ये इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं तीनों स्मार्टफोन, जिसमें कहा जा रहा है कि नोकिया 7.2 जो होगा दोस्तों ये स्नैपड्रैगन 710 पे आएगा। जो भी होगा, जैसे भी आएगा, सबसे पहले आपको बताऊंगा दोस्तों सारी चीज़ें। लास्ट की बात करें तो पिछले महीने या ये कहें कि अगस्त में ही एक्सपेक्टेड था कि इंडिया में लॉन्च हो लेकिन नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं इसका, ये है Honor 9X और 9X Pro दोस्तों। किरिन 810 प्रोसेसर पे आते हैं जो कि कमाल के प्रोसेसर्स हैं दोस्तों। इनका अंतु स्कोर सच में बहुत अच्छा आया है, 2.5 लाख के आसपास आता है एंड 730 को बीट करते हैं। लेकिन प्राइसिंग पे जिस आए दोस्तों 14-15,000 के बीच में आपको Honor 9X मिलता है और अगर इस प्राइस पे लॉन्च हुआ इंडिया में तो दोस्तों धमाल मचा देगा। आपको पॉपअप सेल्फी के साथ आता है, IPS LCD का ही पैनल है लेकिन बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं दोस्तों। स्मार्टफोन देखने में बहुत अच्छा लगता है मेरे हिसाब से, अगर ये इंडिया में लॉन्च हुआ 14-15,000 तक तो धमाल मचा देगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि पक्का ये सितंबर में इंडिया में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि इनके जो CEO थे उन्होंने कहा था कि हम इंडिया को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि Honor 9X जल्दी से जल्दी इंडिया में लॉन्च हो। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सितंबर में ही, मिड सितंबर के आसपास ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है दोस्तों। तो ये थे सारे फोन्स, किस वाले का आप वेट कर रहे हो, मैं सबका वेट कर रहा हूँ। जैसे आएंगे सबके इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा दोस्तों, सबसे पहले कोशिश करूंगा देने की। कैसा लगा वीडियो, कौन से वाले स्मार्टफोन का आप वेट कर रहे हो जरूर बताइए। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया दोस्तों। और भी बहुत सारे वीडियोज हैं, चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो व्यक्ति इमेजेस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट्स का, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।